हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन प्रिया कुकिंग रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दूध के पेड़े की रेसिपी। तो आज की रेसिपी हमारी सोमवारी स्पेशल है। तो ये जो पेड़ा मैंने बनाया है सोमवारी करने वाले व्रतियों के लिए बनाया है। ये एकदम शुद्ध दूध का बना हुआ है और इसे हम व्रत के दौरान भी खा सकते हैं। तो ये हमारा पेड़ा बनके तैयार है। तो आगे की वीडियो में बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया और इसको बनाना है बेहद आसान। दो तीन चीज़ों से बनके ये तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स आपको चाहिए होंगे। और ये देखिए जो हमारा पेड़ा है बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है, एकदम अच्छा जो परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था और इसको बॉयल करने के लिए कढ़ाई में या फिर आप किसी भी और बर्तन में रख सकते हैं। तो इसको मैंने बॉयल करना स्टार्ट कर दिया है और इसको बॉयल करते करते एकदम गाढ़ा करना है, बिल्कुल जैसे हम रबड़ी बना रहे हों। तो इसे हम बहुत ही ज़्यादा सुखाएँगे जब तक इसका मॉइस्चर कम ना हो जाए। और ये देखिए जो हमारा दूध है काफ़ी कम हो चुका है मात्रा में, और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो, गुठलियाँ ना हो। और इसको पकाने में लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, यानी कि 1 छोटा टेबल स्पून, बिल्कुल अच्छे स्वाद के लिए। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये जो हमारा मिल्क है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, एकदम मतलब हाफ हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसमें 250 ग्राम चीनी डालेंगे। तो हमने जो यहाँ पे शुगर यूज़ किया है वो टाटा का 0 शुगर है, बिल्कुल 100% नेचुरल है, जिससे हम डायबिटीज पेशेंट को भी इसे दे सकते हैं और ये बिल्कुल भी हानि नहीं करेगा। लेकिन आप चाहें तो नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हम वही वाला शुगर यूज़ करें। तो शुगर मेल्ट होने के बाद ये थोड़ा गीला हो जाएगा, तो हमें इसे सुखाना है और भी ज़्यादा। तो ये देखिए जो हमारा पेड़े का जो दूध है वो काफ़ी सूख चुका है और थोड़ी ही देरों में ये अच्छे से सूख जाएगा। और ये रहा हमारा पेड़ा का जो एकदम दूध था हमारा, वो एकदम अच्छे तरीके से सूख गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए। इसको बस ये रेडी है और इसको अब बस शेप देना है। तो हम इसे एक थाली में निकालेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो, क्योंकि कढ़ाई हमारा गर्म होता है तो वो जल्दी ठंडा होगा नहीं। तो ऐसे ही हम इसे एक थाली में निकालेंगे और इसको थोड़ा हल्का हल्का मिलाते हुए हल्का सा ठंडा करेंगे, नहीं तो जब हम पेड़ा बनाएंगे ना तो हमारा हाथ जल सकता है। इसलिए हम इसे धीरे धीरे मिलाते हुए चम्मच की सहायता से हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। तो ये जो हमारा पेड़ा है वो अब ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे शेप देंगे। तो सबसे पहले हम अपने हाथों पे ऑयल या फिर घी स्प्रेड करेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े लेंगे हाथों में और इसे राउंड राउंड करते हुए इसे सर्कल वाला शेप देंगे। देखिए ऐसे ही घुमा के हमने सर्कल सा शेप देना है, लोई की तरह बिल्कुल, और इसे एक हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। और ऊपर से हमने यहाँ पे कटा हुआ पिस्ता डाला है ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा हो और इसका जो लुक है वो भी काफ़ी इन्हेंस हो जाए। तो ये हमारा जो पेड़ा है एकदम बन के रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। और इसी तरीके से हमने सारे पेड़ों को बना लेना है। ये देखिए मैंने प्लेट में इसको रखना स्टार्ट किया है, तो ऐसे ही करके हमने सारे पेड़े बना लेने हैं। तो ये रहा हमारा स्वादिष्ट पेड़ा, बिल्कुल झंझट नहीं है इसको बनाने में, एकदम इजी रेसिपी है। बस हाँ थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है बिकॉज़ दूध जो है हमारा उसको सूखने में टाइम लगता है। तो ये जो हमारा टेस्टी टेस्टी पेड़ा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो सोमवारी स्पेशल मैंने ये पेड़ा बनाया है। तो ये जो हमारा पेड़ा है अभी गीला है, इसको हम 5 से 6 घंटे तक रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो 5 से 6 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा पेड़ा है एकदम तैयार हो गया है और अब ये बिल्कुल दुकान वाला पेड़ा बन चुका है। अब देखिए एकदम से ये टाइट हो गया है, एकदम अच्छे तरीके से टूट रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट पेड़ा बन के तैयार हो गया है। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी आज की सोमवारी स्पेशल वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस सोमवारी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।
और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी है और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगी है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी और भी अच्छी रेसिपीज़ बनाऊं और आप लोगों को शेयर करूं। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये हमारा जो सोमवार स्पेशल पेरा है, एकदम अच्छे से झटपट में बन के तैयार हो चुका है। और तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय इंस्टा एंड यूट्यूब फैमिली।